कमारू उस्मान अपने हैंड इंजरी के चलते बाहर हैं यूएफसी से और वो रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि उनको और टाइम चाहिए। यानी कि जो यूएफसी लंदन में होने वाली है उसके अंदर सोचा गया था कि लियोन एडवर्ड का पहला टाइटल डिफेंस कमारू उस्मान के साथ ही होगा, क्योंकि कमारू उस्मान को तो रीमैच चाहिए ही चाहिए था और वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन यहां से चीजें थोड़ा सा अलग टर्न में जा रही हैं, अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, और वो इसलिए जा रही है क्योंकि कमारू उस्मान अभी ठीक नहीं हुए, उन्हें और ज्यादा टाइम चाहिए। तो इतने टाइम तक जो है किसी भी डिवीजन को रोक कर नहीं रखा जा सकता, यानी कि एक टाइटल डिफेंस होना चाहिए कमारू उस्मान के साथ फाइट से पहले। तो अब यहां पर अलग अलग फाइटर्स अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। होर्हे मास्विडल तो सीधा इस चक्कर में है कि मेरी जो लड़ाई रिंग के बाहर हो गई थी लियोन एडवर्ड से, मुझे मौका मिले। ऐसे में बिलाल मोहम्मद ने भी एक स्ट्रॉन्ग केस पैदा किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी फाइट होनी चाहिए बिलाल मोहम्मद और लियोन एडवर्ड फॉर टाइटल मैच, क्योंकि इनके साथ जो पहली जो फाइट हुई थी उसमें लियोन एडवर्ड की जो उंगलियां थी वो बिलाल मोहम्मद की आंखों में लग गई थी, तो वो नो कॉन्टेस्ट हो गया था। तो उसी मैच को दोबारा से फाइट के लिए चाहते हैं आपके बिलाल मोहम्मद। और एक चीज बिलाल मोहम्मद ने यहां पर साफ की, क्योंकि बिलाल मोहम्मद को दिख रहा था कि यहां पर हमजत चिमाएव से पहले मौका मिलना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहां पर लियोन एडवर्ड तक पहुंचने के लिए हमजत को भी चैलेंज करना पड़े तो मेरी फाइट हमजत के साथ फिक्स करो। और यहां तक कहा कि हमजत अगर ये चाहता है कि ये कैच वेट में फाइट हो जाए, यानी कि 170 वो नहीं बना पाता तो हम 175 या 180 के अंदर भी फाइट कर सकते हैं, यानी ले दे के मेरा जो पूरा एम है वो ये है कि मैं हमजत चिमायो को हरा दूं और हमजत चिमायो की बात ही उठना बंद हो जाए और सीधा मुझे टाइटल शॉट मिले। तो यहां पर बिलाल मोहम्मद ने सीधा चैलेंज कर दिया है हमजत चिमायो को। अब यूएफसी के सामने भी तीन चार रास्ते खुल गए हैं, लियोन एडवर्ड, कोबी कोविंगटन, उसके अलावा बिलाल मोहम्मद, होर्हे मास्विडाल, इन सबके साथ फाइट हो सकती है, हमजत के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अभी कमारू उस्मान जो है और ज्यादा टाइम लेंगे। तो ऐसे में बिलाल मोहम्मद का चैलेंज करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उन्होंने भी काफी फाइट जीती है, शॉन ब्रेडी को जिस तरीके से हराया सारे डाउट क्लियर हो गए। तो ऐसे में अगर हमजत और बिलाल मोहम्मद की फाइट होती है तब हमें रियल विनर देखने को मिलेगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बिलाल मोहम्मद और हमजत की नंबर वन कंटेंडर के लिए अगर फाइट फिक्स हो जाती है तो जीतने कौन वाला है। दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड खुद चाहते हैं कि होर्हे मास्विडल को मौका मिले, क्योंकि उनकी फाइट तो थी पहले रिंग से बाहर, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि होर्हे मास्विडल को वो आसानी से हरा देंगे, इसलिए कोई भी चैंपियन इजी फाइट तो चूज करेगा ही। लेकिन यहां पर यूएफसी का फर्ज बनता है कि बिलाल मोहम्मद के इतने बोल्ड स्टेटमेंट को एक्नोलेज किया जाए, या तो डायरेक्ट बिलाल मोहम्मद को मौका मिलना चाहिए या फिर हमजत चिमायव के साथ उन्हें फाइट करनी चाहिए नंबर वन कंटेंडर की, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा फाइटर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है जिसे वेल्टर वेट के अंदर मौका मिलना चाहिए। तो यहां पर हमजत चिमायव ने अभी कोई रिस्पॉन्स बिलाल मोहम्मद को नहीं दिया है, लेकिन अगर यूएफसी चाहेगी कि बिलाल मोहम्मद को ही पुश करें तो वहां पर फिर हमजत के साइड से भी हमें जो है कोई ना कोई मैसेज आता हुआ दिखाई देगा, सुनाई देगा, जिसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बिलाल मोहम्मद और हमजत में से अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा, और राइट फुल कंटेंडर कौन है? कमारू उस्मान के साथ अगर फाइट लियोन एडवर्ड की नहीं होती तो कौन सा ऐसा वो फाइटर है जो रियली में डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक एक कमेंट को पढ़ने वाला हूं।